लिथियम बैटरी लेने का तो प्लान कर रहे हैं, आपको पता है लिथियम बैटरी अच्छी भी होती है, पर लिथियम बैटरी लेने में जब भी आप प्लान करते हैं तो बजट जो है एक बहुत बड़ा इश्यू बन के निकलता है। आपको लगता है कि यार लिथियम बैटरी तो मैं लेना चाहूंगा, अच्छी है लिथियम बैटरी, सब कुछ बढ़िया है, आप सेटिस्फाइड भी हैं, पर बजट चूंकि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है लिथियम बैटरी में, तो इसलिए आप अपने जो डिसीजन है लिथियम बैटरी लेने का उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लिथियम बैटरी आप खुद से बना सकते हैं और इतने कम रुपए में बना सकते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना सस्ते में आपको लिथियम बैटरी बन गई आपकी। किस तरह आप ये लिथियम बैटरी खुद से बनाएं, इसका पूरा मटेरियल कहां से मिलेगा, क्या क्या मटेरियल लिथियम बैटरी में लगता है, और लेड एसिड बैटरी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर लेड एसिड बैटरी की कीमत में आप लिथियम बैटरी खुद से बना पाएंगे। तो अगर आप लिथियम बैटरी का बिजनेस करना चाहते हैं, लिथियम बैटरी अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सारी कंपनीज को लिथियम बैटरी बना के देना चाहते हैं, बहुत सारी ई रिक्शा कंपनी है, स्कूटर वाली कंपनी है, तो इस तरह की जो कंपनी है उनको लिथियम बैटरी की जरूरत पड़ती रहती है। तो चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपको लिथियम बैटरी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको लिथियम बैटरी से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आप सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी लिथियम बैटरी बना पाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में 3 बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा बिकती हैं। तो जो तो 3 बैटरियों में 12 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट, 3 तरह की बैटरियां जो है वो हर घर में आपको मिल जाएंगी। ऐसा कोई घर नहीं जहां आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट की, इन तीनों में से कोई एक बैटरी आपको जरूर मिलेगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इंडिया है और हर घर में एक बैटरी की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट बैटरी को बामुश्किल आप 5 से 10 मिनट में बना पाएंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और क्या क्या सामान उसमें लगने वाला है वो सामान की पूरी डिटेल दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको लिथियम बैटरी बनाने में जितने सामान की रिक्वायरमेंट है वो आपको कहां से लेनी है, सबसे सस्ते दामों पे होलसेल के रेट में आप कहां से लिथियम बैटरी बनाने का सामान ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 तरह के सेल से आप लिथियम बैटरी बना सकते हैं। एक सेल ये सब मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसको सिलेंड्रिकल सेल बोला जाता है। लिथियम फॉस्फेट का 3.2 वोल्ट का ये एक सेल है और करीब 6000 mAh का ये सेल होता है। तो अगर आप इस सेल से बैटरी बनाएंगे तो इस सेल के साथ में दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ सेल्स आपके बहुत ज्यादा लगेंगे, कल को आपकी बैटरी खराब हो गई तो आपकी बैटरी को रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और इस सेल को बनाने में आपको बहुत सारा सामान लगने वाला है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि 5 से 10 मिनट में आप खुद से ही बैटरी बना पाएंगे, तो 5 से 10 मिनट में बैटरी बनाने के लिए आपको ये सेल को भूल जाना पड़ेगा, और आपको जो दूसरा सेल लेना है वो आप ये सामने मेरे देख रहे हैं, ये आपको सेल लेना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये सेल है 100 AH 3.2 वोल्ट का। तो 100 AH 3.2 वोल्ट के सेल से हम लोग बैटरी बनाएंगे, और इसमें जो जो सामान लगने वाला है वो आपको दिखा देता हूं। तो नंबर 1 इसमें सेल लगने वाला है, नंबर 2 इसके अंदर ये आप BMS देख रहे हैं, ये BMS लगने वाला है, ये हार्नेस लगने वाली है, इसके साथ ही ये बस बार है, बस बार लगने वाले हैं, और ये नट और बोल्ट। बस इतने से सामान से आप अपनी बैटरी बना लेंगे। पैकिंग के लिए आपको इस तरह की फिलामेंट टेप की जरूरत पड़ने वाली है, और किसी भी बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में आप अपनी बैटरी को बना सकते हैं। तो आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों की बैटरी जो है वो मैं बना के दिखाऊंगा। विद इन 5 मिनट में आपकी बैटरी बन जाएगी, और 5 मिनट में ये बैटरी बनने के बाद में 30 साल चलने वाली है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास में नंबर ऑफ सेल जो है 8 है, तो आपको मैं 12 वोल्ट की बैटरी भी बना के दिखाऊंगा और 24 वोल्ट की बैटरी भी बना के दिखाऊंगा, इसके साथ 48 वोल्ट की भी बैटरी आपको बना के दिखाऊंगा, और 48 वोल्ट की बैटरी तो 2 मिनट में बन जाएगी। तो आप ये समझिए कि एक सेल 3.2 वोल्ट का है, तो नंबर ऑफ सेल हमारे 4 लगने वाले हैं 12 वोल्ट की बैटरी बनाने में, और ये जो बैटरी है ये 12.8 वोल्ट की बैटरी बनने वाली है। अब इस बैटरी की मैं बैकअप की बात करूं तो जितना 150 AH की ट्यूबलर बैटरी बैकअप देती है उतना बैकअप ये बैटरी आपको दे देगी, और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो 4 से 6 गुना आपको ज्यादा लाइफ मिलने वाली है। अब बहुत सारी लोगों का अक्सर मुझे फोन भी रहता है और उनका एक सवाल भी रहता है कि साहब हमें फला जगह से बैटरी मिल रही है
और कोई बैटरी 30,000 में मिल रही है, कोई 40,000 में मिल रही है, कोई 50,000 में मिल रही है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप कतई भी ऐसी जगह से बैटरी ना लें। बहुत सारे लोग जो कबाड़ी का काम करते हैं वो जो खराब सेल होते हैं या जो बैटरी फेल हो जाती है उनको पॉलिश वॉलिश करके वो आपको बेच देते हैं और वो बैटरी जब आप टेस्ट करेंगे तो ठीक चलेगी, उसके बाद में 6 महीने में ही खत्म हो जाएगी। तो आप सस्ते के चक्कर में कतई ना पड़े। अगर आपको सस्ती ही बैटरी करनी है तो फिर आप खुद से बैटरी बना लें। अगर आप थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप खुद से बैटरी बना लें। आप किसी भी रेपुटेड कंपनी से लिथियम बैटरी को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देखें कि आपको 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए 4 सेल की जरूरत पड़ने वाली है और ये जो 4 सेल आप देख रहे हैं ये एक सेल के सामने दूसरा सेल, मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के सामने आपको नेगेटिव रखना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब प्लस में माइनस जोड़ना है तब आपका जो है ये बैटरी बनेगी। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कॉपर का बसवार चाहिए और कॉपर का बसवार आप इस तरह जो है बैटरी के ऊपर लगा सकते हैं। ये आप देखिए इस तरह कॉपर का बसवार लग गया। अब इस बसवार को आपको नट बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट कर देना है और आपकी बैटरी ऑलमोस्ट 50% बन गई। अब बात यह कि जब भी आप इस तरह का सामान लें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल की जो है वो आप टेस्ट बैलेंस सेल लें। जितने भी सेल लगने हैं अगर वो अनबैलेंस सेल हैं तो आपकी बैटरी जो है वो खराब होने की संभावना है, बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो आप प्रॉपर टेस्टेड सेल लें जिसका हेल्थ रिपोर्ट भी आप सेल के साथ में अवश्य लें, क्योंकि अगर आप हेल्थ रिपोर्ट के साथ में बैलेंस सेल लेते हैं तो फिर आपको इस सेल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है और बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। तो एक बार आपने बैलेंस सेल बैटरी में लगा दी उसके बाद में आपकी जो बैटरी है ये लाइफ टाइम जो है बढ़िया काम करती रहेगी। अब जैसे कि आप ये सेल देख पा रहे हैं बहुत सारी चाइनीज कंपनी के भी सेल हैं मिलते हैं। तो चाइनीज कंपनी में कुछ कंपनियां ठीक हैं पर फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो सेल यूज करते हैं वो ताइवान का सेल यूज करते हैं या फिर हम लोग जर्मनी का सेल यूज करते हैं। तो आप भी उनमें से ही किसी एक कंपनी का सेल जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सेल जो है सेल ही बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी बैटरी को बनाने में। अगर आपने सेल बी ग्रेड का ले लिया तो कुछ दिन बाद ही साल 2 साल 4 साल में आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, पर अगर आपने सेल जो है वो ए ग्रेड का लिया है तो ए ग्रेड का सेल लेने के बाद में आपको अपनी बैटरी की तरफ 10-15 साल तो बैटरी की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी आप ये देखें कि इसके साथ ही हमने हार्नेस जो है वो हार्नेस को हम कनेक्ट करा रहे हैं और हार्नेस आप देख रहे हैं कि हर सेल के पॉजिटिव पे हम लोग हार्नेस का यूज कर रहे हैं, मतलब हार्नेस जो है हर सेल के पॉजिटिव पे लग रही है। ये सबसे आसान तरीका है आपको बैटरी बनाने का, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है बैटरी बनाने का। और इस तरीके में आप अपनी मर्जी से जिस कंपनी का आपको सेल अच्छा लगता हो उस कंपनी का आप सेल यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको इसकी कैबिनेट चाहिए तो हम कैबिनेट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको इसके कनेक्टर्स चाहिए हैं कनेक्टर हम प्रोवाइड करा देंगे। बीएमएस चाहिए बीएमएस आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। मतलब इस बैटरी को बनाने के लिए आपको जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है वो सब यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो रॉ मटेरियल है ये मैं हूं तो नेक्सस की फैक्ट्री में, पर ये जो रॉ मटेरियल है ये नेक्सस का नहीं है, ये दूसरी कंपनी का है। तो आपको कहां से लेना है ये मटेरियल और उसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है उसके लिए आपको किसी नेक्सस के सेल्स मैनेजर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी की पूरी डिटेल और इसके सेल्स मैनेजर्स की पूरी डिटेल दी हुई है। कृपया आप उन्हीं लोगों को कॉन्टेक्ट करें और वो उन्हीं लोगों से आप ये जो सेल है या आपको जो भी सामान चाहिए वो सामान की प्राइसिंग आप उनसे ले सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है सेल के बारे में, बैटरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप जो है वो खुद से बैटरी ना बनाएं, फिर आप किसी भी रेपुटेड कंपनी से बनी बनाई बैटरी जरूर लें, क्योंकि वहां पे आपको बैटरी की वारंटी भी मिलती है और सारी चीजें आपको जो सपोर्ट है बैटरी की वो सपोर्ट भी मिलती है। हम अब इस बैटरी को अपने जो बीएमएस है कनेक्ट कर देते हैं। तो बीएमएस में आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अभी हमने यहाँ पे 4 सेल यूज किए हैं तो 4 सेल के लिए आपको 4S का बीएमएस यूज करना है। तो और 100 एम्पियर आपका डिस्चार्ज होना चाहिए बीएमएस में, तो आप 100 एम्पियर का डिस्चार्ज का बीएमएस यूज कर सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे तो आपको फिर 8S का बीएमएस जो है वो यूज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 48 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं तो आपको 15S का बीएमएस जो है वो आपका लगने वाला है। आप अपने रिक्शे के लिए बैटरी बना रहे हैं तो वहां पे 16S और 15S दोनों चलते हैं। सेल की जितने भी वोल्टेज की बैटरी बनाना चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बीएमएस ले सकते हैं। पूरे 5 मिनट नहीं हुए हैं और 5 मिनट से पहले ये बैटरी बनके तैयार हो गई है और अब मैं आपको बैटरी का वोल्ट टेस्ट करा देता हूं। तो अगर आप बैटरी का वोल्ट देखेंगे तो आप देखिए कि बैटरी का जो वोल्ट है वो 12.66 वोल्ट है।
तो मतलब ऑलमोस्ट बैटरी जो है वो चार्ज स्टेज में है। अब इसी के हिसाब से आपको अपना जो भी चार्जर आपका है या आपका जो इन्वर्टर है इसी के हिसाब से आपको सेट करना है। तो ये जो बैटरी है इसका डिस्चार्ज जो है वो 10.5 है, मतलब 10.5 वोल्ट तक आप इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं और 14.5 वोल्ट तक आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो आपको ये अश्योर करना है कि आपका जो भी इन्वर्टर है वो बैटरी को 14.5 वोल्ट से ऊपर डिस्चार्ज ना करे और 10.5 से नीचे आपकी बैटरी को ना लेके जाए। अगर वो नीचे लेके जा रहा है तो BMS जो है वो कट कर जाएगा, तो जिससे आपको लगेगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो खराब हो गया है। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के हमारी जो बैटरी है ये बैटरी हमारी बन गई। और बैटरी में आप देखिए BMS के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने वोल्ट दिखाऊंगा आपको BMS में, तो 12.66 वोल्ट जो है हमारी बैटरी में आ गए हैं। और ये जो हम आप टेस्ट कर रहे हैं ये हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो बैटरी का हमारा आउटपुट है बैटरी का आउटपुट पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। अब इस बैटरी को आप स्टील के बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे ये सामने मेरा स्टील का बॉक्स है, आप ये देखिए ये बैटरी हमने, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, सेम इसी तरह हमने 24 वोल्ट की बैटरी बनाई है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 सेल का हम लोगों ने यूज किया है, आप देख रहे हैं, और 8 सेल जिस तरह मैंने 4 का बनाया था उसी सेम तरीके से हमने 8 सेल का यहाँ पे बना दिया है, 8 सेल की जो है बैटरी है। तो अब इस बैटरी का जो वोल्टेज है 25.6 वोल्ट की ये बैटरी हमारी बन जाती है, जिसको आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हार्नेस देख रहे हैं, तो 9 वायर वाली हार्नेस यहाँ पे यूज की गई है, और जो इस बैटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए साइड में जो है हमने ईवा फोम जो है वो लगाया है। आप ईवा फोम चाहे ईवा फोम लगा सकते हैं, और अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में इस बैटरी को बनाना चाहते हैं तो प्लास्टिक कंटेनर में बैटरी बना सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी बैटरी को और ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप ये सामने देखें, ये हमारा FRP शीट है, फायर प्रूफ शीट इसको बोलते हैं, इस फायर प्रूफ शीट को भी आप बैटरी के साथ में लगा सकते हैं। तो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी के लिए हम लोग जो है वो इस तरह का फायर प्रूफ बॉक्स बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये इसके अंदर FRP शीट जो है बॉक्स में चारों तरफ से लगा दी गई है, ताकि किसी भी कंडीशन में बैटरी में कभी कोई डैमेज ना हो। इस बैटरी में जलने या आग लगने की संभावनाएं बिल्कुल जीरो हैं। तो आप ये देखें कि इस तरह का बॉक्स जो है वो आप हमसे चाहें हमसे भी ले सकते हैं, इस तरह का बॉक्स स्टील का ये बॉक्स है, स्टील बॉडी, और आप अपना कोई बॉक्स बनाना चाहें तो अपना बॉक्स भी आप बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था 5 मिनट में आपकी बैटरी तैयार होगी, और इस बैटरी को बनाने में ज्यादा हमारा कुछ सामान भी नहीं लगा। कल को अगर आप बैटरी आपकी किसी वजह से खराब हो जाती है या बैटरी का कोई सेल आपका मिसबैलेंस हो जाता है तो इस बैटरी को आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। आप सीधा वोल्टमीटर से हर सेल के वोल्ट टेस्ट कर लेंगे तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी बैटरी का कौन सा सेल जो है वो खराब हो गया। पर ये शुरू में नहीं होता है, 10-15 साल बाद की बात है, 10-15 साल, क्योंकि इस बैटरी की जो लाइफ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस बैटरी की जो लाइफ होने वाली है वो करीब 15-20 साल, तो मतलब आप रफ कंडीशन में भी यूज करेंगे तो 15-20 साल तो तब भी चल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि 48 वोल्ट की बैटरी जो है वो 48 वोल्ट की बैटरी आप किस तरह बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाऊं कि 48 वोल्ट के लिए हम लोगों ने इस तरह का बॉडी हम बनवाते हैं, और इस बॉडी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको सामने से दिखाऊं कि ये स्टील में भी आप चाहेंगे तो स्टील में भी ये आपको कैबिनेट मिल जाएगी, और MS में चाहेंगे तो MS भी आपको ये कैबिनेट मिल जाएगी। तो इस कैबिनेट में हम आपको BMS लगा के भी दे सकते हैं, आप BMS लगा लगाया ले सकते हैं। इसके साथ ही हम MC भी आपको लगा के दे रहे हैं इसमें, इसके साथ ही SOC लाइट हम लोग लगा के दे रहे हैं, RS232 कम्युनिकेशन पोर्ट भी हम आपको लगा के दे रहे हैं, फैन भी लगा के दे रहे हैं, और मेंटेनेंस जो पोर्ट है वो भी आपको लगा हुआ इसमें मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 15 साल आपको डालने हैं, 15 सेल डालने के बाद में इसके जो BMS है उससे आप कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह का BMS आपको मिल जाएगा, एक तो BMS ये है कि नॉर्मल BMS आपको मिल जाएगा, तो जिसमें आप इस बैटरी के साथ में किसी दूसरी बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप ये चाहें कि अगर आपको इससे आपको ज्यादा बैटरी कनेक्ट करनी है, एक के साथ में 2, 4, 10 बैटरी कनेक्ट करनी है, तो फिर उसके लिए फिर आपको BMS की जगह स्लैब का यूज करना पड़ेगा, तो वो स्लैब जो है वो हम आपको लगा के दे सकते हैं। तो मतलब ये चॉइस आपकी है कि आपको जो स्लैब के साथ में चाहिए आपको बैटरी टू बैटरी कनेक्ट करनी है, या फिर आप जो है एक सिंगल बैटरी किसी भी अपने इंडिविजुअल यूज के लिए बनाना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा आइडिया है, और कि आप अपना रेडीमेड सारी चीजें ले ली और बस आपको सेल फिक्स करने हैं, जो भी सेल आपको अच्छा लग रहा है, जिस भी कंपनी का अच्छा लग रहा है उसका आप सेल ले सकते हैं। आपको केवल ये बॉडी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आपको खाली बॉडी भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको स्टोर में दिखाऊंगा कि और क्या क्या आपको मिलने वाला है।
तो फ्रेंड्स मैं हूं स्टोर में, ये V&D एसोसिएट का स्टोर है और मैं आपको फिर से बता दूं कि नेक्सस का ये पार्ट नहीं है, तो आप नेक्सस के सेल्स मैनेजर को इस रिलेटेड कॉल ना करें, इस रिलेटेड आप V&D एसोसिएट के सेल्स मैनेजर के नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ही कॉल कीजिएगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपको स्टील की बॉडी मिल जाती है, जैसे कि आप ये 100 एम्पीयर की आपको बैटरी बनानी है 4800 की, तो इस तरह के स्टील बॉक्स आपको यहां पे मिल जाते हैं। इंडिया में सिर्फ यही कंपनी जो है इस तरह के स्टील बॉक्स बनाती है। इसके सिवा आपको 60 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 60 वोल्ट का आपको एक कैबिनेट मिल जाती है 60 वोल्ट के लिए। आपको डिफरेंट टाइप की टेप चाहिए तो सामने आपको डिफरेंट टाइप की टेप जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही आपको कनेक्टर्स चाहिए तो आप ये देख रहे हैं, आपको एंडरसन कनेक्टर चाहिए तो आपको एंडरसन कनेक्टर जो है वो आप यहां से बाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिफरेंट टाइप के BMS चाहिए तो डिफरेंट टाइप के BMS आपको 4S से लेके और आपको 15S तक 16S तक आपको सारे BMS जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। हार्नेस की मैं बात करूं, हार्नेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर सेल की हम लोग बात करें तो आपको 50AH से लेके 100AS तक के सेल जो है वो आपको प्रिज्मेटिक भी और सिलेंड्रिकल भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये सेल जो है ये प्रीमियम क्वालिटी के सेल हैं, ए ग्रेड के सेल हैं, आपको विद सर्टिफिकेशन ये सेल आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरह के सेल भी, अगर आपको ईवी की बैटरी बनानी है तो 3.2 वोल्ट का आप ये सेल भी ले सकते हैं, और आपको बड़ी बैटरी बनानी है तो आप 100AH 50AH 86AH का सेल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की आपको बैटरी बनानी है, तो ये देखिए 12 और 24 वोल्ट की बैटरी के लिए यहाँ पे एक कैबिनेट है। ये प्रिज्मेटिक सेल होल्डर है, ये आपको आसानी से आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ये प्रिज्मेटिक सेल होल्डर जो है 15S का है, मतलब आपको 48 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इसमें अगर आप सेल लगा देंगे तो सेल के हिलने डुलने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी और आप खुद से भी ये वाली बैटरी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, ये स्टोर बहुत पसंद आया होगा, किस तरह आप खुद से बैटरी बना पाएंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिखें कि आपको कुछ जो चीजें आपको नहीं समझ आई हैं, तो उन चीजों को मैं क्लियरली और ज्यादा ब्रीफ करने के लिए आपको सेकंड वीडियो आपके लिए बना के दूं, तो वो उसके लिए आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। Thank you.